वेलकम टू टारगेट आईएएस, माय सेल्फ मनीष। मैं आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ये गेट में ईसी और ई, ये दो ब्रांच में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक प्रोग्राम दिया रहता है, उसका आउटपुट पूछा जाता है। 4 मार्क्स का एवरेज इस टॉपिक से आता है, इसकी वेटेज 4 मार्क्स है। और ईएस में जो है 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, उसके लिए हम थ्योरी कवर करेंगे पहले। और गेट के लिए हम मोस्टली प्रॉब्लम्स पे, उसके प्रोग्राम्स पे, प्रोग्राम के आउटपुट पे फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक बात गेट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं कि यदि कोई टॉपिक ज़्यादा मार्क्स का है तो पहले उसको कवर कर लें। उससे क्या होगा कि उसमें से उनका यह मानना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं, और उस चक्कर में जो इजी स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, कम मेहनत पे ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं, उनको वो लोग छोड़ देते हैं। तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम इजीली कितने मार्क्स कवर कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। उसके बाद हम उन टॉपिक्स पे जाएं या उन क्वेश्चंस पे जाएं जो टफ होते हैं, पहले फटाफट उनको स्कोर करना चाहिए। उसमें माइक्रोप्रोसेसर एक सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत में, कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि हर मार्क्स बराबर इक्वल वेटेज होता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना ज़्यादा स्कोर कर लें कितने कम समय में। तो अब हम आते हैं माइक्रोप्रोसेसर पे। पहले हम माइक्रोप्रोसेसर शुरू करेंगे, ये हमारा सिलेबस है टोटल ओवरव्यू, उसके बाद आर्किटेक्चर, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, कितने बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, उस हिसाब से हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्रामिंग आएगी इंस्ट्रक्शन के बाद, प्रोग्रामिंग अगर हम इंस्ट्रक्शन जान लेंगे तो हम प्रोग्रामिंग उसके बाद शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग भी अच्छा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बड़ी रैम छोटी रैम से कैसे बनाई जा सकती है, हमारे पास नहीं है बड़ी रैम तो छोटी रैम से ही काम चलाना पड़ेगा, उससे हम कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तब इंटरफेसिंग हमारी यूज होती है। चलिए हम शुरू करते हैं ओवरव्यू से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसके। तीन टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंप्यूटर, एक सीपीयू दिया रहता है, सीपीयू के साथ एक मेमोरी अटैच होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में ये सीपीयू जो है यही हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, और ये कुल मिलाकर के माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या रहता है, सिलिकन चिप विच इंक्लूड्स ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर सर्किट्स एंड कंट्रोल सर्किट। रजिस्टर सर्किट्स रजिस्टर्स के लिए होते हैं जिसमें हमारा डेटा जो है टेम्प्रेरी डेटा यूज करने के लिए रजिस्टर्स उसमें दिए रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। और कंट्रोल सर्किट एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल सर्किट का यूज होता है। और माइक्रो कंट्रोलर में ये रहता है, ये सब चीज़ें जितने हमने पढ़ी हैं ये एक ही सिंगल पैकेज में रहती हैं। उससे क्या होता है कि हमारा एक तो साइज रिड्यूस हो जाता है और सिस्टम फास्ट हो जाता है। सिंगल चिप विच इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट इन ए सिंगल पैकेज, तो उसका प्राइम एग्जाम्पल है 8051। नाउ व्हाट इज प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, नॉन टेक्निकल बंदा है, तो वो ये कहेगा कि प्रोसेसर मतलब जो कुछ भी प्रोसेस कर सके वो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर मीन्स ए डिवाइस दैट प्रोसेसेस व्हाटएवर, ये एक सिंपल आंसर होगा। अगर हम अपने सब्जेक्ट में माइक्रो प्रोसेसर का कोई बंदा पूछे कि प्रोसेसर क्या होता है, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर मीन्स ए डिवाइस दैट प्रोसेसेस नंबर्स स्पेसिफिकली 0 एंड 1, मीन्स कि वो 0 1 में ही बात करता है, उसी में ही डेटा लेता है, उसी में ही जो है आगे प्रोसेसिंग होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या होगी, माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस, मतलब कि उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस दैट टेक्स इन नंबर्स, मतलब उसका इनपुट नंबर्स होंगे, परफॉर्म ऑन देम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस, मतलब उन पे हम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी।
तो किस हिसाब से काम करेगा, जैसा भी प्रोग्राम दिया रहेगा मेमोरी में उस हिसाब से ही वो परफॉर्म करेगा जो भी ऑपरेशन होगा, एंड द प्रोड्यूसेस अदर नंबर्स एज ए रिजल्ट, और जो उसका रिजल्ट भी होगा वो भी नंबर्स में ही रहेगा। सो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। मैंने कुछ पॉइंट्स अब तैयार किए हैं नेक्स्ट पेज में, और एक एक करके हम वो पॉइंट्स लेंगे। वो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, एक बार हम माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट कर लेंगे फिर हम 8085 पे आएंगे, बाकी जितनी चीज़ें रह जाती हैं वो 8085 में आ जाएंगी। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 8085 है, तो उस पर हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जब हम उस पर आएंगे तो वे धीरे धीरे करेंगे, और इसमें मैं जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो हम एग्जांपल तो लेंगे ही, और लास्ट में मैं आपको कुछ अलग से और एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपके प्रोग्राम प्रॉब्लम्स भी रहेंगे प्रोग्राम, और उनका सॉल्यूशन भी रहेगा, वो आप ले सकते हैं बाद में। तो आइए पॉइंट्स देखते हैं। ए माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज जनरली रिफर्ड एज MPU, उसकी शॉर्ट फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। MPU इज डिजाइंड विद ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड सम काउंट ऑफ प्रोसेसिंग रजिस्टर्स, जिस रजिस्टर्स को मैं अभी बता रहा था, दैट इज प्रोसेसिंग रजिस्टर्स। खाली रजिस्टर्स भी अगर मिलते हैं तो भी उसका मतलब है कि प्रोसेस डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं, प्रोसेसिंग रजिस्टर्स हो गए। एंड देन रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पररीली। टेम्पररीली इसलिए लिखा है कि मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर दिए हैं और अगर हमने उन पर परमानेंटली डेटा डाल दिया तो फिर तो हमारे किसी काम का रह ही नहीं गया, इसलिए जो रजिस्टर्स बनाए जाते हैं उनमें टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए उनको यूज किया जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है। जनरली डिफरेंट MPU अवेलेबल आर स्पेसिफाइड लाइक 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड सो ऑन। अगर मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो आप की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बिट की है, उस हिसाब से वो मिलता अवेलेबल होता है मार्केट में। जैसे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। बिट कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, बिट कैपेसिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन होगा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, कैसे लेना है हमें, तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। और कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एट ए टाइम सिंगल टाइम में कितने बिट प्रोसेस कर सकता है, दैट इज बिट कैपेसिटी। तो जैसा हमको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम उसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो लिखा भी है कि बिट कैपेसिटी ऑफ MPU अवेलेबल आर स्पेसिफाइड एज द नंबर ऑफ बिट्स इट कैन प्रोसेस एट ए टाइम इन पैरेलली, एन 8 बिट MPU कैन परफॉर्म ऑल 8 बिट ऑपरेशन एट ए टाइम। एक एग्जाम्पल लिया है कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर यूनिट परफॉर्म कर सकता है 8 बिट ऑपरेशन के लिए एट ए टाइम। इन जनरल द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डिपेंड्स ऑन द बिट कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर 8 बिट के हिसाब से डिजाइन है तो उसका मतलब उसकी बिट कैपेसिटी 8 बिट होगी। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है बिट कैपेसिटी, उस हिसाब से इंटरनल आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। सिस्टम बस ऑफ MPU, ये सिस्टम बस क्या होती है, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में 3 टाइप की बसेस होती हैं। एक होती है एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। आगे देखते हैं वो क्या है। एड्रेस सिग्नल्स आर जनरेटेड बाई MPU एंड सेंट टू मेमोरी टू आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द मेमोरी थ्रू एड्रेस बस बस एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल बस। तो मान लीजिए हमारे पास मेमोरी है और उसका एक एड्रेस है, यहाँ पे FF02H मान लीजिए एड्रेस है और इसकी मेमोरी है, तो ये मेमोरी जो है इसके एड्रेस से ही डिफाइन होती है। इसमें मान लीजिए ये मान लीजिए कोई इस पे कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ही वो एड्रेस इस मेमोरी को भेजता है और उसके बाद वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एड्रेस जाएगा कैसे, उसके लिए एड्रेस बस यूज होती है, और ये यूनिडायरेक्शनल बस होती है, सिर्फ MPU से मेमोरी तक भेजने के लिए यूज होती है। नाउ व्हाट इज डेटा बस, डेटा बस यूज टू ट्रांसफर द डेटा इन बिटवीन मेमोरी एंड MPU। डेटा बस का इस्तेमाल मेमोरी और यूनिट माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है, उसके लिए डेटा बस रहती है हमारी। कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एंड दीज सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, क्योंकि उन्हीं के बीच में सारा परफॉर्मेंस होना है। एंड यूज टू प्रोवाइड टाइमिंग फॉर वेरियस ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज दैट सेंटेंस,
टाइमिंग फॉर वेरियस ऑपरेशंस मीन्स, इसका मतलब ये है कि कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करेगा कब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। मान लीजिए मेन प्रोग्राम हमने कोई लिखा है, उसी के बीच में कोई सब रूटीन कॉल आ गया, तो वो जंप हो जाएगा दूसरे लूप पे जिसको कॉल किया गया है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये कंट्रोल सिग्नल ही डिसाइड करता है। जब तक वो सब रूटीन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो मेन में आएगा नहीं, तो उसके लिए हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट द्वारा ही जनरेट होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एमपीयू कैन प्राइमरली परफॉर्म फोर ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें तो, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट, ये चार टाइप के ही ऑपरेशन होते हैं। एंड फॉर ईच ऑपरेशन इट जनरेट्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरी में अगर हम परफॉर्म करें रीड और राइट, तो उसके लिए मेमोरी रीड राइट से रिलेटेड फंक्शन ऑपरेशन के लिए वो सिग्नल जनरेट करेंगे, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से रिलेटेड होंगे रीड और राइट, तो उस हिसाब से कंट्रोल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर भेजता है। ये हमारे जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। अब हम आएंगे 8085 पे। नेक्स्ट वीडियो में हम 8085 शुरू करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे 8085 में। तो इसके स्पेसिफिकेशन से आएंगे, पहले उन पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम आर्किटेक्चर शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम 8085 से ही शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।